subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है पासेज ऑफ इंडिया, भारत के दर्रों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, और देखना आज के जो क्वेश्चन हैं मैक्सिमम ऐसे होंगे जो एक क्वेश्चन से कई इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि इनको मैंने ऐसे फॉर्म किया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है कि उसमें आपको क्या मिलने वाला है, करेक्टली मैच वाले चार ऑप्शन आ जाएंगे। कौन किससे मैच नहीं है, तो भैया एक ही मैच नहीं होगा, बाकी के तीन तो मैच होंगे, तो उन तीनों को आपको क्या करना है, सही तरीके से याद कर लेना, और जो करेक्टली मैच नहीं होगा उसका आंसर करना। नहीं आया तो फिर हम तो हैं ही। तो भैया वंस अगेन आप सभी को गुड आफ्टरनून, और भैया जुड़ जाते हैं आज के पासेज वाले प्रोग्राम में। कल तो भाई त्यौहार भी है, तो त्यौहारों को भी इंजॉय करना और पढ़ना भी है, इसीलिए मैंने डिसीजन किया कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं, ऐसा टॉपिक जो त्यौहारों में भी मज़ा दे दे और नंबर लाने में भी अव्वल दर्जे का साबित हो। और हाँ, बहुत दिनों से हम लोग जियोग्राफी नहीं पढ़े हैं, कुछ 15-20 दिन पहले जियोग्राफी पढ़े थे दोस्तों, उसके बाद जियोग्राफी की क्लास नहीं चल पाई, तो चलिए भैया जियोग्राफी की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना यार, वो 30 लाख रुपए जो प्राइज के रूप में है, वो प्राइज आपको जीतना है भैया। जो कार्निवल चल रहा है एक महीने का, उस कार्निवल में सभी पार्टिसिपेट करो। तो मेरे दोस्तों जल्दी जल्दी शेयर लाइक सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि वो 30 लाख रुपए आपके प्राइज हो जाएं और क्वेश्चंस के आंसर हमारे हो जाएं। तो मैं कंप्यूटर टीम से चाहूंगा सर, बिना कोई देर किए पहला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, तो सर ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोंडीला अरुणाचल प्रदेश, या सीला सिपिकला उत्तराखंड। आपको बताना है दोस्तों कौन सा इसमें सही से मैच नहीं खाता है, बताइएगा मेरे दोस्तों कौन सा सही से मैच नहीं खाता है। अगर आप करेक्ट बता पाए तो बहुत बढ़िया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ आंसर ऑप्शन आने शुरू हो चुके हैं, अब देखते हैं भैया इसका क्या सही आंसर है और कौन इसका सही है। मैं थोड़ा सा देखना, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जुड़िए और आंसर करिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है सीला उत्तराखंड, ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है। ये जो सिपिकला है ना, सीला है ना दोस्तों, ये उत्तराखंड नहीं, बल्कि ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी, जो ए बी सी डी, इस ऑप्शन को डी करना पड़ेगा भैया, क्योंकि दो दो सी सी है, तो जो आपका डी ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट है, सीला उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों? सीला पड़ता है सिपिकला आपके अरुणाचल प्रदेश में, न कि उत्तराखंड में, तो ये वाला मैच सही नहीं कर रहा था। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाल घाट इज सिचुएटेड बिटवीन, पाल घाट के बीच स्थित है, किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, नीलगिरी और कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच, अन्नामलाई हिल्स और इलायची हिल्स के बीच, या द इलायची हिल्स और पलानी हिल्स के बीच। आज के क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों, जुड़ करके आंसर करो, सभी लोग आंसर करो दोस्तों, मजा आ जाएगा, क्योंकि जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पासेस के क्वेश्चन कम से कम हमारे अड्डा के स्टूडेंट्स के गलत नहीं होने चाहिए। जुड़ करके आंसर करो दोस्तों, नीलगिरी और कार्डामम, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स और इलायची हिल्स, और द इलायची हिल्स और पलानी हिल्स। आपको बताना है दोस्तों कि ये कहां कैसे पड़ता है दोस्तों, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी कमेंट बॉक्स में जुड़िए और आंसर करते रहिए, ताकि ये तो पता चले भैया कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों आंसर करो। ओके, अब मैं इसका आंसर करता हूं, इसका आंसर जो सही है दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है, नीलगिरी अन्नामलाई के अन्ना पालक घाट जो है दोस्तों ये केरल में पड़ता है। पाल घाट कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल में पड़ता है। और ये किनके बीच स्थित है दोस्तों? ये स्थित है अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में। यहाँ पे तीन घाट का बड़ा जबरदस्त वर्णन है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। कौन कौन से घाट है दोस्तों, लिख दे रहा हूँ। एक है दोस्तों थाल घाट, कौन सा दोस्त है? थाल घाट। एक है दोस्त भोर घाट, एक पड़ता है भोर घाट, और एक पड़ता है दोस्तों आपका पाल घाट।
ठीक है, कौन सा, पालघाट। और अगर एक बार क्वेश्चन पेपर में, सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में तीनों की ऊंचाई पूछ दिया था मीटर में, तो दोस्तों याद रखिएगा थाल घाट की कितनी है 581 मीटर, और इसकी कितनी है दोस्तों तो 229 मीटर, इसकी 229 मीटर, और इसकी पाल घाट की कितनी है दोस्तों 300 मीटर। हालांकि हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, पाल घाट के बीच स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच कौन सा स्थित है, पाल घाट आपका स्थित है जो कि केरल में पड़ता है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। सर अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यह आपको आंसर करना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आपको बताना है। बोमीडीला पास अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, या फिर नाथुला पास सिक्किम में नहीं है, या फिर भोरघाट पास हिमाचल प्रदेश में नहीं, या पालघाट केरल में नहीं है। जरा बताना दोस्तों, भोरघाट पास कहां स्थित है, या नाथुला, सिक्किम, बोमडीला, या फिर पालघाट, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर करना है दोस्तों। चलो आंसर करो, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आंसर करना है दोस्तों जुड़ करके। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों सी ऑप्शन है, भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि भोरघाट दर्रा है कहां दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और यही वो दर्रा है जो भोरघाट दर्रा है ना दोस्तों, ये मुंबई पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, मुंबई और पुणा को कनेक्ट करता है, मुंबई पुणा को जोड़ता है आपका कौन सा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भोरघाट नहीं है, भोरघाट स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में, और यह जोड़ता है मुंबई और पुणा को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया आप लोग भी आंसर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन कोशिश है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो एसएससी और आपके रेलवे के फेवरेट वन क्वेश्चन में से है, आज का पूरा सेक्शन ही जो हम लोग ले रहे हैं किस पे, पासेस के ऊपर, दर्रों के ऊपर, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में इससे अक्सर पूछ देता है। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल, असम, मेघालय, या फिर सिक्किम, आंसर करना दोस्तों किस राज्य में स्थित है, नाथुला बताना है आपको कहां स्थित है, अरुणाचल, असम, मेघालय, या फिर सिक्किम, बताइएगा दोस्तों इसका क्या आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में जुड़िए। कुछ लोग के आंसर बी, तो कुछ लोग के सी आ रहे हैं, तो किसी का ए भी आ रहा है, यह बहुत बेहतरीन है। चौथे क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट है, नाथुला जो है दोस्तों वो कहां स्थित है आपके, सिक्किम में स्थित है नाथुला। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है भैया, तो सिक्किम में स्थित है। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, बेहतरीन ढंग से जुड़े रहिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्त, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सब्सक्राइब करना, उसे नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन, Which one of the following is not correctly matched? कौन सा correctly matched नहीं है, सिपिकला हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कि लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, कि नाथुला सिक्किम में नहीं है, या जोजिला कश्मीर में नहीं है, कौन सा correctly matched नहीं है, आपको यह बताना है दोस्तों, जरा जुड़ करके बताइएगा। बिल्कुल पांचवें क्वेश्चन का, माय डियर स्टूडेंट सभी लोग बहुत बढ़िया, गर्ल्स बॉयज सभी जुड़े रहो, आंसर तेजी से आंसर करना है भैया, रुक के आंसर नहीं करना है, बेहतरीन ढंग से आंसर करना है। बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा मैच नहीं करता है भैया, इसका जो बी ऑप्शन है वो मैच नहीं करता है, लिपुलेख दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये गलत दिया हुआ था आपका, जो लिपुलेख है दोस्तों ये कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, लिपुलेख जानते हैं दोस्तों कहां पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, न कि उत्तर प्रदेश में। क्लियर है दोस्तों, लिपुलेख उत्तराखंड में एक पड़ने वाला पास है दोस्तों, न कि उत्तर प्रदेश में, क्लियर है। और ये भारत और चीन को क्या करता है, कनेक्ट करता है लिपुलेख, लिपुलेख भारत और चाइना को कनेक्ट करता है, उत्तराखंड में पड़ता है, न कि उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू लेह, आपको बताना है दोस्तों कौन सा पास लेह के मतलब कौन सा पास लेह तक जाता है, लीड टू लेह है, जो जिला सिपिकला, चुंबी वैली, या फिर बनिहाल, आंसर करना दोस्तों। ए बी सी डी आपके चार ऑप्शन हैं, बेहतरीन ढंग से दिए गए हैं, जरा सोच के आंसर करना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं अगर आज का करने में सक्सेसफुल हुए तो एक नंबर पक्का समझना, अपना आखिरी तक जुड़े रहना, सेशन को शेयर करना है आपको दोस्तों। तो बताइएगा छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पास लेह तक ले जाता है, जो जिला या सिपिकला या फिर चुंबी वैली ले जाती है, या इनमें से बनिहाल आपको वहां तक पहुंचाता है, बताइएगा दोस्तों, जुड़िएगा सभी लोग।
भैया जियोग्राफी बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे, अब जियोग्राफी का सेशन पूरे एक हफ्ते चलाने वाला हूं। आज हम आपको पासेस पढ़ा रहे हैं, कल भारत के आइसलैंड द्वीप समूह के बारे में पढ़ाएंगे, तो परसों जियोग्राफी का कोई और टॉपिक पढ़ाएंगे। तो एक से दो जीएस संग्राम के प्रोग्राम में सोमवार से बृहस्पतिवार एसएससी अड्डा पे जुड़े रहिए दोस्तों। और हाँ, शाम 7 से 8 आरआरबी एनटीपीसी और आपकी सीपीओ की क्लास चल रही है, वहां भी आपको आज जुड़ना है सोमवार की शाम को दोस्तों। छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? जो जिला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? जो जिला। ये श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। अगर इसमें लिख दिया जाए कि भैया ये किसको किसको जोड़ती है, तो श्रीनगर लेह को ये क्या करती है? कनेक्ट करती है आपकी जो जिला पास। क्लियर रहेगा दोस्तों, ध्यान रहेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू लेह? जो जिला, निम्नलिखित में से कौन सा पास लेह तक जाता है? तो जो जिला पास जो है भैया वो कहां तक जाता है? लेह तक जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिपू लेख पास इज सिचुएटेड इन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगर पिछला ध्यान हो तो झट से आंसर हो जाएगा, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। लिपू लेख पास इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों जुड़ करके आंसर करना है, सभी को बेहतरीन ढंग से आंसर करना है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग चौथे या पांचवें में एक बार कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा अनदर वे में उसका स्टेटमेंट था क्वेश्चन का। लिपू लेख दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या फिर अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों बताइएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा इसका सही आंसर है? बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, सातवें क्वेश्चन का सी आंसर उत्तरांचल या उत्तराखंड सही है। उत्तरांचल कह ले या फिर उत्तराखंड कह ले, ये स्टेट उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था नवंबर सन 2000 में, और अब ये एक अलग स्टेट का वैल्यू रखता है और यहीं पर स्थित है लिपू लेख पास। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। माना पास इज सिचुएटेड इन, जो माना पास है वो कहां है? उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में? जम्मू कश्मीर में है या हिमाचल प्रदेश में? माना पास, माना दर्रा कहां स्थित है? आंसर करिएगा दोस्तों आठवें क्वेश्चन का, माना पास कहां स्थित है बताइएगा। आपको बता दें इसका आंसर जो है दोस्तों उत्तराखंड सही है। इसे चिरबितिया पास भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है दोस्तों? चिरबितिया पास, चिरबितिया पास, चिरबितिया पास भी इसे कहते हैं, चिरबितिया, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं दोस्तों। चिरबितिया के अलावा इसे हम लोग एक और नाम, आई थिंक, आई होप, आई होप, डूंगरी, डूंगरी पास के नाम से भी इसे जानते हैं, डूंगरी, डूंगरी पास के भी नाम से जानते हैं हम किसे? माना पास को। ये माना पास के ही दो नाम है दोस्तों, चिरबितिया पास या फिर डूंगरी पास। ये जो दोनों है दोस्तों, चिरबितिया और डूंगरी पास, किसके नाम है? माना पास के नाम है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि ये जो आपका चिरबितिया पास है ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व में पड़ता है। माना पास या चिरबितिया पास या डूंगरी पास, ये उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व में स्थित है। क्लियर रहेगा, याद रहेगा कहां पड़ता है? उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, चिरबितिया पास या डूंगरी पास या माना पास स्थित है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? जिलिपला, लिपुलेख, नाथुला, सिपी। अच्छा एक चीज आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये चार राज्य के पासेस रट के बैठो, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में घूमते हैं। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये मैक्सिमम पासेस वाले हैं भैया। अब आपके बिहार यूपी में क्या पास होगा, समझ रहे हो? मैदानी भाग हैं, पासेस तो पहाड़ी, दो पहाड़ों के बीच का, कभी कभी कुछ मीटर, कभी कभी कुछ किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र जो एक जगह से दूसरे एक जगह को क्या करता है? कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज द पासेस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? आपको नौवे क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों, और भैया ईजी है इसमें, जो आपका उत्तराखंड में है वो कौन है? लिपू लेख है। उत्तराखंड में स्थित कौन सा पास है भैया? तो लिपू लेख पास है। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी सेशन चल रहा है जिसमें आपको रट जाना है। व्हाट आर द किंगरी विंगरी नीति माना? वाओ क्या मजेदार क्वेश्चन है, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? क्या कोई बता पाएगा? ये पासेस हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं या फिर धार्मिक स्थल हैं? जरा जुड़ करके दोस्तों आंसर करना, बताना है किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? पासेस हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं या धार्मिक स्थल हैं? जुड़ करके जरा बताना। तब तक मैं अपने मोबाइल को देख लूं यार, टाइम क्या हो रहा है, बहुत बेहतरीन टाइम, चाहे जो कुछ भी हो रहा है, मजा तो आ रहा है आप लोग को पढ़ाने में। तो भैया जरा जुड़े रहिए और बताइएगा कि क्या सही चल रहा है, कौन सा सेशन सही चल रहा है। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? पासेस, नदियां, पर्वत, धार्मिक स्थल।
जुड़ना मेरे दोस्तों। भैया हम जानते हैं आप लोग अपने कॉमन सेंस का उपयोग कर लिए हो और इसका आंसर दे दिए हो। इसका जो सही आंसर है पासेस दर्रा, इसका सही आंसर है किंगरी विंगरी और नीति और माना, ये सब उत्तराखंड में स्थित पासेस के नाम है, दर्रों के नाम है। चलिए सर अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासेस वॉज रोप रीओपेंड अराउंड द मिडिल ऑफ द ईयर 2006 एंड फैसिलिटेटेड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय दर्रा वर्ष 2006 के मध्य के आसपास फिर से खोल दिया गया, रीओपेंड, और भारत और चीन के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाया गया, चांगला, जाराला, नाथुला या फिर सिपिकला। 11वां क्वेश्चन बताइएगा दोस्त, 11वां क्वेश्चन कौन सा वो दर्रा है, याद है भारत और चाइना को कौन सा कनेक्ट करता है, ये भी बता दोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों नाथुला, इसका जो आंसर है दोस्तों नाथुला। इसे सन 2006 में पहले ये खुला हुआ था, ट्रेड होता था भारत चाइना के बीच में, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से इसे बंद कर दिया गया, फिर इसे रीओपन किया गया 2006 में और अब भारत चाइना का मैक्सिमम ट्रेड इस दर्रे के थ्रू होता रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो एक बात जान लो, एक क्वेश्चन से कम तीन तीन चार चार ऑप्शंस हो जाते हैं और तीन तीन चार चार आपके जीएस तैयार होते हैं। तो जरा भैया जुड़िए और आंसर करने कोशिश करिएगा, बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। दोस्तों जरा जुड़ करके आंसर करो दोस्तों, बताना मुझे कौन सा इसका ऑप्शन सही है। Which one of the following is not correctly matched? Is not a correct match. Passes एक साइड दिया हुआ, state एक साइड दिया हुआ, एक साइड दर्रे का नाम है, एक साइड राज्य का नाम है। मेरे दोस्तों आपको बताना है कि 12वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। भैया इसका जो आंसर सही मैच, जिलिपला सिक्किम में है, बिल्कुल सर है। माना और नीति उत्तराखंड में है, बिल्कुल सर है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सर है। लेकिन ये जो सिपकीला दिया हुआ है, सिपकीला दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, नहीं सर सिपकीला जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये तो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किन्नूर डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है सर, तो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। किन्नूर डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों किन्नूर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है दोस्त, हिमाचल प्रदेश, किन्नूर जिला के हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका सिपिकला, न कि जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है, किन्नूर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के सभी मैच्ड हैं। जिलिपला सिक्किम में ही है, माना एंड नीति उत्तराखंड में ही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में ही है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन, बहुत इंपॉर्टेंट पास है यार रोहतांग पास। रोहतांग दर्रा किस में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। रोहतांग के बारे में आपको बताना है दोस्तों, जरा जुड़ करके आंसर करने की कोशिश करिएगा। रोहतांग कहां स्थित है, बहुत बढ़िया, आप भी बेहतरीन ढंग से कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपके कमेंट पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, रीजन है कि भैया आसान टॉपिक चल रहा है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन स्कोरिंग टॉपिक चल रहा है, बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, तो उसमें कहीं भी मिस नहीं होना है। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड, बताइएगा। बिल्कुल भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर किया हुआ है, हिमाचल प्रदेश। जिन स्टूडेंट ने भी हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट सही किया है, भैया बहुत बहुत बधाई, आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश इसका सही ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश क्या है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रहेगा ना मेरे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं और देखते हैं। तो रोहतांग दर्रा कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। Which one of the following is correctly not matched? कौन सा सही ढंग से अपने राज्य से मेल नहीं खाता है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कि लिपुलेख उत्तराखंड में नहीं है, कि रोहतांग हिमाचल। अच्छा एक हो गया ना, दिमाग जिग जैग सा हो गया होगा, इतनी बार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दिमाग जिग जैग फील कर रहा होगा। तो डोंट फील जिग जैग, फील कंसंट्रेट एंड डू योर आंसर्स, और अपने आंसर्स को करो दोस्तों। चलो भैया थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, 10 सेकंड का, पढ़ना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। तब तक भैया सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन का, और आंसर भी करिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल भैया, लाइक की संख्या बहुत कम चल रही है, तो लाइक को बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल लाइक को बढ़ा दिया जाए। समझ में आता है, देखो आपको हो सकता है लग रहा है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है अरे सर मजा नहीं आ रहा है। भैया यहां मजा के लिए नहीं आए हो, अपने करियर के लिए आए हो, फ्यूचर के लिए आए हो। अड्डा आपके करियर और फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है,
तो जरा सा मेरे दोस्तों अपने करियर के बारे में सोचा करो, यानी हर चीज में मजा नहीं खोजते यार। स्टडी में किस लड़के को पढ़ने मजा आता है? बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ने मजा आता है। लोगों को मन लगाना पड़ता है अपना पढ़ाई में, और एक बार मन लग गया ना उसके बाद जरूर मजा आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? 14वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका जो आंसर है दोस्तों, नाथूला, नाथूलाल जो आप दिया हुआ है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। ये स्थित है सिक्किम में, न कि अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रहेगा ना दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम। क्लियर है? ये जो नाथूला है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अब ध्यान रखोगे कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नाथूला सिक्किम में स्थित है। अब क्लियर है? चलिए सर अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सिपिकला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथूला मेघालय, जो जिला जम्मू एंड कश्मीर। बताइएगा दोस्तों आपका इसका कौन सा सही आंसर है, मतलब मैच नहीं खाता है। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है, बेहतरीन ढंग से जरा बताइएगा कौन सा इसका सही ऑप्शन जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप अपने करियर के लिए बहुत मेहनत करते हो यार। हम लोग मतलब आपको देख के कभी कभी हम फैकल्टीज आपस में बात करते हैं कि यार ये स्टूडेंट बहुत सिंसियर हैं, ये ऑफलाइन ऑनलाइन बुक्स इधर उधर करके बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों आप लोग एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे, बस लगे रहना दोस्तों, धैर्य मत छोड़ना। चाहे समाज कुछ भी कहे, रिश्तेदार कुछ भी कहे, दोस्त कुछ भी कहे, धैर्य नहीं छोड़ना है दोस्तों। क्योंकि यदि धैर्य छोड़ दिए ना, अपना साथ छोड़ दिए ना, तो फिर आपका साथ कोई नहीं दे पाएगा। आप अपना साथ स्वयं दीजिए दोस्तों, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं यार। हम लोगों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है ना, वो हम लोग के लिए खुद मोटिवेशन होती है। वो मोटिवेट करती रहती है कि और पढ़ो, नौकरी पाओ और जंग को जीतो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 15वें क्वेश्चन का आंसर करिए, पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ जुड़ के आंसर करना है और अपने लाइफ को सक्सेसफुल करना है। तो 15वें क्वेश्चन का भैया जो सी ऑप्शन है, नाथूला मेघालय, ये जो है गलत है। नाथूला मेघालय में नहीं दोस्तों, नाथूला जो स्थित है कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, HP हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? कहाँ स्थित है? तो हिमाचल में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, न कि मेघालय में स्थित है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, 15 वो महत्वपूर्ण, और इन 15 क्वेश्चन के बहाने कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन करवाया हूं पासेस का। रट लेना दोस्तों, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप NTPC का दो, CPO का दो, किसी का भी एग्जाम दो दोस्तों, एक क्वेश्चन जियोग्राफी से जब पूछता है तो पासेस से अक्सर पूछ दिया करता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक क्वेश्चन पासेस से क्या हो, गलत हो दोस्तों। अब यहां पे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बस कल दोपहर में 1 बजे द्वीप समूहों के ऊपर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, बारेन, मुंबई, सालसेट, सबके ऊपर बात होने वाली है। तो दोपहर में 1 बजे कल द्वीप समूह के क्लास में जुड़ेंगे। और हां, आज शाम को 7 से 8 NTPC का महायुद्ध, जो NTPC RRB का क्लास चलती है, SSC अड्डा पे। कहां चल रही है दोस्तों? SSC अड्डा पे, अड्डा 24/7 पे। शाम में 7 से 8 में रहता था, लेकिन आजकल बस SSC अड्डा पे हूं दोस्तों। तो वहां जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत।